क्या किसी गांव या कस्बे का भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में देखने को मिला, जहां पर दिलदार नगर के 333वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्मारिका के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने दिलदार नगर के हिंदू मुस्लिम तहजीब की सराहना किया, क्योंकि उनके मंच पर एक ही वंश के जहां मुस्लिम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, तो वहीं उसी वंश के हिंदू परिवार जो बिहार के मोहनिया में रहता है और उन्हीं के वंशज नवल सिंह के द्वारा दिलदार नगर बाजार की स्थापना की गई थी, जो बाद में दिलदार नगर हो गई। इस कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि 1971 में मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़कर बिगड़ गया। उस देश में पहले से हिंदू और मुसलमान हैं और उसके बाद हमारे देश भारत से 1,40,00,000 मुसलमान पाकिस्तान गए, जिन्हें आज भी पाकिस्तान के नागरिकता नहीं मिली है और वहाँ वो मुजाहिद कहलाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में जमानियात विधानसभा की विधायक सुनीता सिंह भी मौजूद रहीं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इंद्रेश कुमार ने मंच से बोलते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसी मजहब पर बना पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में डूब कर बिगड़ गया। आज उसी पाकिस्तान में सिंधी जो पाकिस्तानी है मुसलमान, रूस जो पाकिस्तानी है मुसलमान, पश्तून जो पाकिस्तानी है और मुसलमान, और जो आप भी आगे से उठकर पाकिस्तान नापाक मुद्दे मानकर पाकिस्तान रहे थे, वो 1,40,00,000 मुसलमान आज भी पाकिस्तानी नहीं बने हैं, वो महाजिर हैं। 1956 में पाकिस्तान ने नागरिकता घोषित करते हुए कहा, ये जितने भी हिंदुस्तान से उतरकर आए हुए मुसलमान हैं, जब ये इस्लाम के ऊपर बढ़ने के चले गए, यह जब अपने वतन के चले गए, मजहब पर चलने वाले नहीं हुए, तो हम गैरों के सगे कहने होंगे। भाई और बहनों, वो 1,40,00,000 1947 से पहले के बदकिस्मत हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जिन्होंने वतन से नफरत की, इस्लाम से बेईमानी की, और वो वह एक अगर आप
होगा।